प्रणाम करते हुए हमारे सामने बैठे हुए सब देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित तीर्थ आनंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी दिव्य स्वरूप जी महाराज, जरा एक मिनट हटोगे तो मैं उनको प्रणाम तो कर सकूंगी आपका। स्वामी सोमगिरी जी महाराज, आपके आशीर्वाद आज इस मंच पे हैं तो बड़ा खुशी और अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि सबसे पहले तो भगवान जो भी चुनाव लड़ता है, जो भी बड़ा काम करता है, जो भी अच्छे काम घर में अपन करते हैं, सबसे पहले अपन ईश्वर को याद करते हैं, उसके बाद हमारे स्वामी संत उनके आशीर्वाद देते हैं, और फिर जो हमारे सामने बैठे हुए इतने सारे देवी देवता हैं उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद लेकर फिर जमीन पर उतरने का काम करते हैं। तो आज ये दर्शन मुझे तीनों के तीनों मिल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पावन धरती पे आप लोगों के बीच में आने का ये मौका मिला है। हमारी मदद के लिए हमारे इस क्षेत्र के अंदर पधारे हैं सरदार भाई चौधरी, विधायक गुजरात के। खड़े हो जाओ जी एक मिनट के लिए, सबको हलो हलो करना चाहिए। इंद्र सिंह जी गांधी हमारे हिमाचल प्रदेश से आए हुए विधायक है, और आप जोर से ताली बजाओ यार। आज 18 तारीख हो गई है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 दिन है। अगर इतनी हालत खराब अभी हो रही है तो क्या होगा 25 तारीख तक पहुंचते पहुंचते। इसे जोर से आवाज करने को सुनिए, गिरीश भाई हमारे जिला अध्यक्ष मेहसाणा से आए हुए हैं। मैं तो पैदाइश यहाँ की, परंतु मेहसाणा में जाके झंडा गाड़ आए हैं। अच्छी खुशी की बात है, नाम पीछे मेहसाणा देखते हैं। खेमराज जी देसाई प्रणाम सर, आप भी हम लोगों के बीच में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर भरत सिंह जी, धन्नाराम जी राजपुरोहित, आप तो बैठे रहो बस प्रणाम करो वहां से। रमेश जी राजपुरोहित जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के थे, आज आपके माय मंच पे मुझे अच्छा लगा सबको देख के। सभी पदाधिकारी, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, सभी इतनी भारी संख्या में आए हुए सब हमारे परिवार जन जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे जब बताया गया था कि जब टिकट के वितरण हो रहे थे कि क्या है आप ही भीम मांगे को फिर से टिकट कहाँ से अपन देंगे, चल नहीं सकता बेचारा, बोल नहीं सकता, काम कर सकता क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा इन लोगों के बीच में। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो सही, भीमबाल में आपको दिखाती हूँ, शायद आपने किसी गलत आदमी के साथ टकरा गए हो, किसी और आदमी से बात करेंगे। मैं मिलाती हूँ उसको जिसको इस क्षेत्र के अंदर पूरा राम चौधरी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इनको कह रहा हूँ भैया थोड़ा धीरे बोलो, ये तो वो है राम चौधरी। जिन्होंने इतने साल से आप लोग दोनों जन ने एक दूसरे का साथ दिया है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पूरा राम जी और आप लोग मिलकर के काम करते हो, और मुझे ये भी मालूम है कि कैसे भी आप कह रहे हो कि चल नहीं सकता बोल नहीं सकता, परंतु आपने क्षेत्र के लिए जरूर लड़ तो सकता है और लड़ने में उसने कोई कमी छोड़ी नहीं। मैं जब वहां आई थी मैंने सोचा था, जब मुख्यमंत्री थी मैंने सोचा था कि भीमबाल से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु मैंने देखा कि भीमबाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने हल्ला मचाने का काम किया है तो वो इस विधानसभा में किया। तो जब कोई मेरे पास आके बोला, मैंने कहा गलती हो गई भाइयों, मुझे लगता है कि वो जो आदमी जिससे आप मिले वो आदमी नहीं है जिसके लिए हम टिकट मांग रहे, परंतु जो आदमी मजबूत है, जो आदमी आपके लिए खड़ा हो जाता है, जो आदमी जोरदार तरीके से और मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ सकता है, भैया ऐसे आदमी की हम लोगों को जरूरत है कि नहीं है? है। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला,
क्योंकि मेरे को खुद आंखों से यह देखने को मिला कि आप लोगों के बीच का बंधन जो है वो अटूट है, अच्छा है, और वो हम लोगों को 25 तारीख को जिता के छोड़ेगा। ये विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई। देखो अभी अभी बहुत बड़ा त्योहार निकल के गया, दिवाली आप लोग सबने मिलके मनाई, खुशियां, और मैं तो कहती हूँ भगवान के, मैं प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी आपके घर में आएगी। वैसे यहाँ कहने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तो लक्ष्मी तो पूरे जगह के अंदर घूम के गई है, वो मैं कई सालों से देख रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी का तो बहुत मैंने यहाँ प्रेम है, वो आती रहती है टाइम टाइम से, तो इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, परंतु कहना पड़ता है दिवाली के टाइम में लक्ष्मी आपके घर आए और आपको सबको खुशहाल बनाए और तरक्की के रास्ते पे ले जाए, जिस तरक्की के रास्ते पे ऑलरेडी आप लोग चल चुके हो। पर मैं पीले चावल लेके आई हूँ, जो मैं अभी आप लोग सबके पास छोड़ रही हूँ, वो पीले चावल है मेरे 25 तारीख के बहुत बड़े त्योहार के लिए, जो साल में मैंने 5 साल में एक दफा आता है। उस त्योहार के अंदर आप सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये पीले चावल इसलिए बांटने में खुद और आप लोग सबसे खुद मिलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये अपना परिवार है, हम आपके साथ प्यार एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, हम एक दूसरे को डांट भी सकते हैं, हम आदमी हैं तो हो सकता है कि गलतियां भी होती हैं, परंतु जब परिवार है तो उस परिवार में कौन सा ऐसा है जो कभी ना कभी छोटी मोटी गलती तो कर ही बैठता है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि सब गलतियों को माफ करके, सब पूरे समाजों को एक साथ लेकर चल के हम लोग एक आवाज में जब चल पड़ेंगे तो अपने क्षेत्र की तरक्की तो वैसे ही कर लेंगे, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर इतने बड़े बड़े मंदिर जो अपने हैं उनका सबका आशीर्वाद तो है ही है। और मैं जब भी यहाँ भीमार में आई हूँ, मुझे हमेशा ये बात लेके यहाँ से गई हूँ कि विकास के रास्ते पे अगर कोई है तो ये भीमा का क्षेत्र। यहाँ के लोग बाहर भी काम धंधा करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ भी काम धंधा करते हैं, और यहाँ के लोग कमाने के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो अभी देखूं तो ये तो बहुत सादगी में आया है आज। तो इधर उधर देखूंगी तो अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे सोने की चेन, 10 की 10 उंगलियों के अंदर सोने की अंगूठिया, ये सब अपने को देने को मिलती है। तो लक्ष्मी तो आके गई है यहाँ से। क्या है बीजेपी और कांग्रेस का फर्क, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कांग्रेस वो है जो वादे करती है और वादे निभाती नहीं है। वादा करना बहुत आसान है भाइयों, उसको जमीन पर लाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कह दो, कभी भी कह दो। और मुझे याद है कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो मुझे कांग्रेस वालों से काफी मिलने का मौका मिला था उस समय ग्वालियर में, और मैंने देखा उनको, उन्होंने कहा भाई साहब आप लोगों को तो जब राजनीति के अंदर जाते हो पब्लिक के सामने जो वो चाहते बोल दो, बाद में देखा जाएगा उसका क्या होता है, बाद में देखा जाएगा, वोट तो आ ही जाएंगे ना, उसके बाद अपने को चिंता करने की क्या जरूरत है। मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, वो खुद भी, ये बात ठोक बजा के कही है कि अपने को उतनी ही बात करना है, उतने ही वादे करने हैं जिन वादे को अपन पूरा कर सकते हैं। मैं तो किसी के बीच में वो झूठ नहीं बोल रहा। अभी अभी मुझे याद है कि पिछले 2018 के चुनाव के पहले पहले मैं आप लोग सबके बीच में आई थी, गौरव यात्रा में आई थी, मैंने गौरव यात्रा में पूरी रिपोर्ट कार्ड इनके सामने खड़े होकर बताई थी कि 5 साल जो इतना कम समय होता है इसमें हम लोगों ने सबने मिलकर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और जो जो काम अपन ने वादे किए थे उसको जमीन पे लाने का काम हम लोगों ने किया है, ये मैंने आपको रिपोर्ट किया। उस समय आपको याद होगा कि इस प्रदेश के अंदर करीबन 28 लाख किसानों को 8,000 करोड़ रुपया, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 19,000 किसानों को करीबन 60 करोड़ रुपया लोन देने का, लोन माफी करने का, 50,000 तक का लोन माफी करने का काम किया। और मैंने खाली कहा नहीं, मैंने आप लोगों को एक पत्र भी दिया, उस पत्र पे लिखा था आपका नाम भी लिखा था, आपका लोन का अमाउंट भी लिखा था,
और आप लोग खुश होके गए। ऐसे कई चीजें थी, परंतु जब चुनाव का समय आया, दो दिन पहले आपके सामने कांग्रेस के लोग आए और कांग्रेस के लोग ने आपको बहलाया, आपको सुलाया और आपको गिनती सिखाने का काम किया, आपको बताया कि एक से लेकर दस तक कैसे गिने जाते हैं। आप भी उनकी बातों में आ गए, आप भी खुशी खुशी उस पर लग गए, आप भी दस तक गिन के बैठे और कह दिया उन लोगों ने कि आप चिंता मत करो, दस दिन के अंदर हमारी सरकार आते ही आपके सब 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 कर्जे माफ हो जाएंगे। तो या तो आपको जरूरत भी क्या है, कर्जे तो सब माफ हो ही गए होंगे। अरे वहां से शुरू हो रही है, चुनाव के दस दिन बाद 19,000 किसानों की जमीन कुड़क हो गई है और करीबन 350 किसान आत्महत्या कर बैठे हैं, परंतु किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। सब खुश क्योंकि वादे तो करने ही है। उस समय वादा और आपको किया कि चिंता मत करो, जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी का भत्ता तो हम देंगे ही देंगे, साथ में 2 साल के लिए, और साथ में हम उन लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। अरे भाइयों, क्या हुआ उसका? 19 बार पेपर लीक, रीट की परीक्षा में बेचारे पढ़ पढ़ के थक के रह गए, कोई भी पद अभी तक भरा नहीं है। मैंने 5 साल में गहलोत सरकार ने 137,000 सरकारी नौकरियां दी, ये कहते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि उसमें से 120,000 भर्तियां हमारी थी, क्योंकि हमने सब तैयारी करके, परीक्षाएं करके, सब कुछ तैयार करके छोड़ते गए थे, बस उनको खाली उनको पोस्ट देने की जरूरत थी और दस्तखत उसके ऊपर करने की जरूरत। वो आप मत करिए, और अगर आप फिर देखोगे तो 17,000 नौकरी से ज्यादा, 20,000 नौकरी से ज्यादा इन्होंने नौकरियां नहीं दी है, क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा करनी पड़ती है और पेपर लीक इतने बार हुए हैं कि उन पेपर लीक की वजह से किसी को भी नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी का भत्ता क्यों? तो सबको कह दिया हाँ हाँ बेरोजगारी का भत्ता देंगे, है कोई यहाँ जिसको बेरोजगारी का भत्ता मिला? अरे होगा कोई, एक इधर उधर छुपा होगा, नहीं है ना? तो एक भी आदमी को बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला। हमारे समय में हम लोगों ने बेरोजगारी का भत्ता उन बच्चों को दिया जो पास होके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे। हमने कहा कि जब ये काम कर लेंगे, जब इनको नौकरी मिल जाएगी 2 साल के अंदर, तो हम बेरोजगारी का भत्ता खत्म कर देंगे, पर इनके मां बाप के ऊपर ये बोझ नहीं बने। ऐसी परिस्थिति बनाने के लिए हमने बेरोजगारी का भत्ता लोगों को दिया है। हमारे टाइम के अंदर मुझे खुशी है आपको बताते हुए 15 लाख सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का काम किया, और मैंने वो हिसाब किताब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब मैं आपके बीच में आई, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हिसाब किताब दिया। 24 घंटे की बिजली तो मिली नहीं होगी, ये तो बहुत खुशी से आप बता ही रहे। अभी क्या है, जनरेटर चल रहा है क्या? जनरेटर चल रहा है तो पानी कैसे पीते हो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं ये आपको कह सकती हूँ कि अपने टाइम में अपन ने 22 घंटे बिजली दी। कहा था मैं सरकार महिलाओं के लिए जो सिंगल फेज की बिजली थी, बताओ सबको 22 घंटे बिजली मिली कि नहीं मिली? उस समय हमारे टाइम में 22 घंटे आपको बिजली दी थी, और वो इसलिए दी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो पहली दफा राजस्थान के इतिहास में वो बिजली देने का काम हम लोगों ने किया था, और वो इसलिए किया था कि घर में बच्चा पड़ता है, रात को बिजली नहीं होती, भोजन के टाइम में 51 डिग्री घी गर्मी में, वो आप लोग घर आते हो तो उस पर थोड़ा ठंडक हो जाए, पंखा चल जाए, लट्टू जल जाए, आपका फ्रिज चले या आपका कूलर चले, इसके लिए आप लोगों को वो 22 घंटे दी। आज वो बिजली आपको तो याद भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो उसको तो बोर करने का काम इन लोगों ने कर ही दिया है। और जहां तक किसानों की बिजली है, वो जो 6-7 घंटे हम लोग देते थे और दिन में देने की कोशिश करते थे, अब टूट टूट के आती, अगर आती है तो टूट टूट के आती है, और किसान को रात को खेत में खड़ा होना पड़ता है। ये तो बल 3 घंटे से भी कम आप लोगों को खेत में टूट टूट कर बिजली मिलती है। ये तो हालत है बिजली की, और आपको लगता है कि वो हो मजे आ गए, हमको तो 100 यूनिट बिजली फ्री दे दी है। कौन सी बिजली फ्री, जब आती ही नहीं है तो कहां आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है?
परंतु उससे और आगे अगर आपने बिल पढ़ा तो उसी पर लिखा है सरचार्ज, पढ़ा ना सरचार्ज, 58 करोड़ रुपए सरचार्ज ऐसे पूरे प्रदेश से इकट्ठा कर दिया है, आपके जेब में से निकाल के अपने जेब में डाला, फिर आपको कह दिया कि 100 यूनिट बिजली आपको फ्री, और उसी जेब का पैसा जो आप ही का है उसको निकाल के फिर आप लोगों के बीच में फैलने का फैलाने का काम कर दिया, तो वो उनके जेब से कुछ नहीं गया है, वो सब आप ही का पैसा है। 72 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर बदल के दिया होगा, 72 घंटे तो क्या, 72 दिन में अगर आपको ट्रांसफॉर्मर मिल जाए तो गनीमत है, परंतु यहां कोई सुनने वाला नहीं है, किसके पास जाएं, किसको कहें, पीने के पानी की मुसीबत, सब लोगों ने उस समय याद था माही का पानी आएगा, उसका पानी आएगा, मैंने कहा है कि जवाई डैम को भरने का काम हम लोगों को करना है, जवाई डैम के अंदर किस तरीके से पानी आएगा वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो आप लोगों को बताएंगे कि जवाई कैसे भरेंगे और जवाई के अंदर से किस तरीके से उस पानी को आगे सब लोगों के बीच में ले जाने का काम हम करेंगे। और मैंने उस समय 16 करोड़ रुपया भी अलग रखा हुआ था, परंतु उसको इस्तेमाल करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये तो वो बात आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन महिलाओं की वजह से हम लोगों ने भामाशाह योजना चालू की, कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर सब पैसे डाले ताकि इधर उधर पैसे ना जाए और उस पैसे को सही तरीके से परिवार वाले इस्तेमाल कर सके और महिला का सम्मान हो सके, इसके लिए वो कार्ड बनाया। उस कार्ड के साथ हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जोड़ा, आज उसको चिरंजीव के नाम से पुकारा जाता है। हमने कहा था कि 30,000 रुपए से 3 लाख तक इसमें सरकारी अस्पताल, इसमें प्राइवेट अस्पताल सब जुड़ने को तैयार थे। आज प्राइवेट अस्पताल के लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, और इन्होंने आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए फिर शुरू कर दिया है। अरे 3 लाख पहले, फिर 5 लाख, फिर उसको 10 लाख, फिर उसको 25 लाख, और अभी अभी चुनाव के पहले 50 लाख। सच्चाई तो क्या है भाइयों, किसके ऊपर 50 लाख खर्च होते हैं आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, औसतन 12-13 हजार से लेके 20 हजार एक एक आदमी के ऊपर खर्च हो गए तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ना हमको 50 की जरूरत थी, ना 25 की जरूरत थी, ना 10 की जरूरत थी, हाँ 5 लाख तक चला जाता तो और फायदा हो जाता, परंतु 30 लाख से 30 हजार से 5 लाख तक भी हमको मिल जाता और दोनों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल एक साथ हो जाते, सही तरीके से उनका पेमेंट हो जाता और व्यवस्थित तरीके से इसको पहुंचाने का काम होता, तो आज आप लोगों को परिवार के अंदर कोई चिंता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई कि वादे उस समय नाम देते थे वो वादे, कांग्रेस बहुत चालाक है, वो जानती है कि शब्दों को बदलने से हमको कैसे फायदा मिल सकता है। पहले वायदों के नाम से आपको कहा हम महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा वादा है। आज आपको सबको मालूम है कि हमारी लड़की घर से बाहर जाती है स्कूल जाने को तो हमारा दिल धड़कता है जब तक वो वापस घर नहीं आती। सबसे ज्यादा अगर महिला असुरक्षित कहीं है तो वो है हमारे प्रदेश के अंदर, और हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है कि अगर हम अपनी महिलाओं की इज्जत को नहीं बचा सकते तो फिर कैसे लोग हैं हम लोग, कैसी सरकार है हमारी जो हमारी इतनी भी बात को सुन नहीं सकती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिला जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक प्रदेश का आगे बढ़ाना, बढ़ना और विकास करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। परिवार को सशक्त बनाने वाली उसकी महिला है, और इसीलिए हम लोगों ने ये दोनों काम आप लोगों के लिए करके दिए। राजशिकाई की योजना की थी कि बच्ची पैदा होके 12वीं तक पहुंचेगी तो 50,000 का बॉन्ड उसको मिलेगा। आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि ये आपके नए मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने तय कर दिया है कि पैदा होते ही उसको 2 लाख का बॉन्ड मिलेगा, और वो 2 लाख का बॉन्ड जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको तोड़ के उसके पैसे अपने शादी के बाद उसको मिल सकते। ये परिस्थिति हम लोगों ने करने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहती हूँ पेट्रोल डीजल क्या हुआ, बड़ा है, बताओ बताओ रेट बड़ा है, 3-4 रुपया बड़ा है, बड़ा है। आपने एक धंधा चालू कर दिया, महंगाई हो गई तो एक धंधा चालू कर दिया, अब पेट्रोल और डीजल
पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, यहाँ दूसरे दाम पे बिकना शुरू होता है, उसको कहते हैं तस्करी। परंतु मैं किसके दल को मारूं और क्यों मारे दर्जा मिल रहा है? ये तो परिस्थिति है, मैं सरकार क्यों नहीं कर सकी, नहीं कर सकी। आप लोगों की प्रॉब्लम और भी थी, पर सच बात, हाँ ये बजरी माफिया तो वाकई में गरीब को इसने मार दिया। आपके जो दाम पहले मिला करते थे, आज कितना हो, कितने बढ़े हैं? एक ट्रक का करीबन 25 से 30 हजार रुपए। वो गरीब बनाएगा घर तो कैसे बनाएगा? ये माफिया के मारे पूरे राजस्थान के अंदर नाक में दम है। और मैं समझती हूँ कि समय आ गया है जब कोर्ट्स को भी इस बात को समझते हुए इनको भी इनके सामने अपने को ये बातें को लाने की जरूरत है, ताकि गरीब आदमी की बात वहां तक जरूर पहुंच सके। ऐसे नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। आपके बांधी सुंदरा बांधी ओवर फ्लो पर गेट लगाकर समझौते के तहत 33% हिस्से का पानी नदी में छुड़वाना था, ताकि आसपास के उसमें आप लोगों को रिचार्ज हो सके। ये छोटे छोटे काम है भाई, ये तो ऐसे काम है जो मैं समझती हूँ कोई भी सरकार जो चुस्त दुरुस्त है वो ये काम करकर आपके लिए छोड़ नहीं सकती थी। परंतु आज मैं देखती हूँ, गौरव पथ तो बन गए थे हमारे टाइम में, स्कूल बन गए थे हर पंचायत के हेडक्वार्टर पे, 0 से लेकर 12 तक जो बच्चे, जो स्कूल का सिस्टम, जो शिक्षा का सिस्टम 26वें पद पे था पूरे देश के अंदर, वो 5 साल के अंदर दूसरे पद पे आ गया। टीचर था तो स्कूल भी था, हॉस्पिटल था तो डॉक्टर भी था। हमने इन लोग सबको कह दिया मत खोलना जब तक पूरे वहां नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं है, अगर टीचर नहीं है तो मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग बनाने से कोई मतलब नहीं। हमारे समय के अंदर टीचर भी था, डॉक्टर भी था, और ये सब व्यवस्था चलती थी। परंतु आज आपको स्कूल है तो डॉक्टर नहीं, आपको अस्पताल है, स्कूल है तो टीचर नहीं, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। ये जगह जगह पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और सच तो ये है भाइयों कि कांग्रेस का मतलब झूठ की गारंटी। आजकल इन्होंने नया कर दिया है, साफ गारंटी रोज अखबार में निकल रहा है, तो देखा होगा उन्होंने मैनिफेस्टो अपना घोषणा पत्र नहीं निकाला, पहला पृष्ठ लेते हैं उसके 7 नंबर लिखते हैं कि ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। वो वादा जो पहले वादा कहा जाता था, अब वो गारंटी के नाम से पुकारा जाता है। चीज तो एक ही है, जो वादा पूरा नहीं हुआ वो गारंटी कैसे पूरा कराएगा? इसको चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। कांग्रेस का मतलब है महिला के अत्याचार की गारंटी। हमारे हिसाब से कांग्रेस का मतलब है दलित अत्याचार की गारंटी। कांग्रेस का मतलब है भूख और भ्रष्टाचार और भय, इसकी गारंटी। कांग्रेस का मतलब है बेरोजगार की गारंटी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सुरक्षा की गारंटी। उसका मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्ति, ऐसा शासन दिलाया जाए उसकी गारंटी। जीरो पेपर लीक, उसकी गारंटी। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे 5 साल के अंदर कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ था, और लोगों को नौकरी मिलने का काम, दिलाने का काम हम लोगों ने किया। भेद रहित विकास की गारंटी, हमने कभी नहीं जोड़ा कि भैया ये समाज का इसको नहीं मिलना चाहिए, ये समाज का इसको मिलना चाहिए। सब लोगों को जोड़ने की काम किया, 36 से 36 एक साथ एक टेबल पे बैठ के सबका विकास एक साथ करने का काम हम लोगों ने करने की कोशिश की। हर सर पे छत रखने की गारंटी और हर हाथ को काम, किसके लिए कोशिश करना है हमेशा लिखा उसमें कोशिश देंगी मैं, जितने हो सकते हैं उतना देने का काम हम लोग करेंगे। हमारे टाइम में 15 लाख तक उसको पहुंचाने की गारंटी हमने दी थी और उसको कराते हमने छोड़ा। आज चाहे जल स्वावलंबन हो जिसको इन्होंने रोक दिया, चाहे आपका टोल सड़क के ऊपर, आपको याद होगा कि आप लोगों ने मेरे को कहा कि ये टोल करते हैं, हमारे तो सड़क टोल फ्री करा दीजिए, हमारे गाँव आस पास है, क्या होगा? टोल फ्री कर दिया जैसे इनकी सरकार आई, वापस भी टोल लग गया। तो ये तो इस किस्म के लोग हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको अपने पेट से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मिलने वालों से ही मतलब है। जब तक वो खुश तो वो भी खुश। परंतु हम लोगों ने दूसरा कहा है, ये पार्टी बैठी है आपके सामने,
हमारा मतलब है, बीजेपी का मतलब है सेवा। सेवा माने आप लोग हमारे परिवार के हो, पहले आपकी सेवा होगी, पहले आप खुश होंगे, पहले आप मजबूत हो जाएंगे, पहले आप खड़े हो जाएंगे, पहले आपके घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी, पहले आपके मुंह के ऊपर मुस्कान, आपके चेहरे पे मुस्कान आपको दिखाई देगी, तब हम खुश होंगे। हमारा सबसे बड़ा और सबसे अमूल्य रत्न क्या है? वो है आपका प्यार। मेरे किसी ने अभी पूछा कि आपको सब लोग के बीच में जा रहे क्या, मैं बहुत थकते होंगे। मैं कहा थकान कहां, जब इतना प्यार मिलता है तो कौन सी थकान, चार कितने घंटे कराना है, प्यार देते रहो, हम लोग दौड़ते रहेंगे। लेकिन इसकी आवाज इतनी मजबूत हो गई, आवाज बन चुकी। अरे भाई कोई आके देखिए कि प्यार का इंजेक्शन कितना ताकतवर हो जाता है, विटामिन बी का कुछ नहीं है इसके सामने। प्यार देते रहो और देखते रहो कि कैसे कैसे लोग दौड़ते भागते आपका काम करते हैं। दूसरे मुझे बहुत खुशी की बात ये भी है, भ्रष्टाचार, यहाँ कोई भी किसान यहाँ बैठा हुआ है, इस सरकार के अंदर अगर छोटा सा छोटा काम करने के लिए और नामांतरण हो, नकल हो, छोटे काम करने के लिए जाता है तो उसको बिना नहीं मिलता, मिलता नहीं है। हमारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के हाथ, किसी के जेब में हाथ डालता है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कहती हूँ कि दिल और दिमाग से राजनीति होती है। दिमाग तो ठीक है कराओ, परंतु जब तक उसके साथ दिल नहीं जोड़ोगे तब तक वो राजनीति सफल नहीं हो सकती है। और उसको सफल बनाने के लिए किसी के जेब में हाथ डाल के उसको दुखी बना के हम लोग सफल नहीं हो सकते। इस चीज को अपने को ध्यान देना है। और एक ध्यान और देना है कि जो पैसा है वो हमारा नहीं है, वो इस जनता का है, वो इस जनता, इस 33 करोड़ की देवी देवताओं का है और इस मंदिर के अंदर ही लगना है। अगर नहीं लगा तो उसका पाप हम सबको झेलना पड़ेगा, जो सबको झेलना तो पड़ेगा ही। आज मैं सिर्फ एक चीज कहने आई हूँ, ये अपना जाना माना बब्बर शेर, बब्बर शेर ये जोर से गुर्राता है परंतु साथ में अरे भाई ये तुम लोग बोलते रहना, ये सब चीजें बाद में होंगी, अपन नए इलेक्शन के टाइम में तुमको जिताना चाहते हैं। अगर ये सब घोषणा मैं कर दूंगी तो क्या तुम्हारा काम, हम जिताएंगे, हम जिताएंगे, मेहनती आदमी, जिताने वाला आदमी, काम करने वाला आदमी है कि नहीं है, और फिर काय क्या करे सब इतना काम करने को तैयार है और कह रहा है कि भैया ये मेरा आखिरी है तो मैं सब पूरा करके जाऊंगा, तो अगर ये पूरा करके जाएगा तो मेरे को ये पूरा लिखा के देगा कि नहीं, करा के जाएगा कि नहीं, मुझे भी तो करना पड़ेगा, फिर मुझे भी मनाना पड़ेगा, फिर मुझे भी कहना पड़ेगा कि भैया छोड़ के मत जाओ लिखा जाएगा। इसलिए आज मैं आपको कहने आई हूँ, इसलिए बहुत मेरे को कहा और मैं आपको बता याद दिला दूँ, 17 करोड़ की लागत से 33 KV की 13 GSS बनाया, हाँ बना हुआ, आपको कमजोरी, अब आपको 137 करोड़ की लागत से भीमा क्षेत्र में पेयजल के लिए नर्मदा ट्रांसमिशन मेन परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, परंतु ये सरकार इसको भी अपने इस कार्यकाल के पास में नहीं कर सकी। ये होना चाहिए था क्योंकि इसका पीने का पानी का इंतजाम सब लोगों के लिए हो जाता। 8 करोड़ की लागत से सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट, बोलो नहीं किया, ट्रीटमेंट प्लांट हो गया भाई साहब, जाके देख क्या हो, ओके 25 नए पशुपालन सब सेंटर हो गया, ये हो गया, हो गया ये हो गया, 24 करोड़ की लागत से 80 विद्यालयों का निर्माण, 16 करोड़ की लागत से 25 सड़कों का नवीनीकरण, 28 करोड़ की लागत से PMGSY के अंतर्गत 60 गांव को सड़क से जोड़ने का काम, 3 करोड़ की लागत से भीमा में एडीजे, यस यस, और सभी ग्राम पंचायत के ग्रामीण गवर्नमेंट से जोड़ने का काम, और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ने का काम, और उन्हीं पे उच्च माध्यमिक स्कूल उनको खड़ा करने का काम विद टीचर, ये हम लोगों ने करने का काम किया है। अब मेरे पास एक 2-3 इश्यूज है कि वर्षों से जो घसी आबादी की बस्तियां हैं रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं है, इसलिए इन लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं,
इसके बारे में इन लोगों ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया भी है। मैं ये कहती हूँ कि अब सरकार अपनी आती है तो सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इन चीजों को जो छोटे मोटे हैं उनको संभाल लेना चाहिए अपन करें। और मैं आज खाली एक ही चीज कहने आई हूँ कि मेरी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है भाई, ये आप और सबकी जिम्मेदारी है। मैं खाली ये कहते हैं कि भैया इनको वोट दे दो, ये तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं किसान का, तो ये अकेले अकेले मैं ही कहने वाली हूँ। आप लोग भी कहो, आपने बहुत हाथ हिला के मेरे को बताया है कि भैया ये तो बेस्ट आदमी है और हम उसको जिता के दे देंगे। तो फिर ये माला है डालू तो बोलो, बोलो जिला बनना चाहिए, भिन्नाल जिला, भिन्नाल जिला बनना चाहिए। अरे ये आदमी आदमी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधियारो ने घनो हार्दिक स्वागत, ने घनो हार्दिक आभार। अब मैं जीतेंगे मैडम, जीतेंगे। माननीय वसुंधरा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे एडवोकेट दिग्विजय सिंह जी, आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें आप पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करावें। इन्हीं के साथ पीकमा राम जी निवासी, नानजी राम जी मेघवाल, ये भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कुंबड़िया से उदा राम जी मेघवाल, गोरखा राम जी राणा, राडाबली सुजा मोहम्मद जी, अमीर खान जी, इकबाल खान जी, आपने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। गोविंद सिंह जी पाता की ठाणी।